वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड पूनम शर्मा। शालीमार प्रोडक्शंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक तिलोक कोठारी ने घोषणा की है कि कंपनी जल्द ही अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म एंजॉय मैक्स लॉन्च करेगी। इस मंच के माध्यम से शालीमार विभिन्न प्रकार के परिवार के अनुकूल मुख्यधारा और क्षेत्रीय मीडिया सामग्री को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचाना चाहती है। कंपनी के पास सुरक्षित सामग्री वितरण के लिए एक मंच के रूप में एंजॉय मैक्स के लिए रोमांचक योजनाएं हैं और साथ ही उपभोक्ताओं के लिए सीधे अनुभव के लिए ऑफ बीट बहुभाषी पौराणिक और अनुभवात्मक मीडिया सामग्री को शामिल करने की योजना बनाई है। प्रारंभ में एप्लीकेशन केवल एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों और टैबलेट पर उपलब्ध होगा। एंजॉय मैक्स के लिए एक वेब ब्राउजर आधारित प्लेटफॉर्म का विकास भी चल रहा है और इसे एंड्रॉयड ऐप के लॉन्च के तुरंत बाद पेश किया जाएगा। एंजॉय मैक्स ऐप आगे इस साल के अंत में iOS पर आएगा। एंजॉय मैक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के कार्यकारी निदेशक किरण शेरगिल ने बताया कि कंपनी शुरू में अपने ऐप के लिए मीडिया सामग्री के लिए विक्रेताओं के साथ गठजोड़ करेगी और धीरे धीरे अपनी सामग्री पुस्तकालय को विकसित करने की योजना बना रही है, जबकि कंपनी पुस्तकालय का विस्तार और क्यूरेट किया जा रहा है। एंजॉय मैक्स सीमित समय के लिए पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध होगा। भारत वर्तमान में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ओटीटी बाजार है। ओटीटी के माध्यम से वीडियो ऑन डिमांड के पारंपरिक प्लेटफॉर्म जैसे रेडियो, केबल, सिनेमा और थिएटर की जगह लेने की उम्मीद है। वर्तमान महामारी की स्थिति ने न केवल व्यवधान को तेज किया है और प्रक्रिया को जल्द ही प्राप्त करने के योग्य बना दिया है। RBSA एडवाइजर्स के एक अध्ययन में भारतीय ओटीटी क्षेत्र के 2030 तक कई गुना बढ़कर $12.5 अरब होने की उम्मीद है, जो मौजूदा आकार $1.5 अरब है। हम टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 शहरों से भारतीय भाषा बोलने वाली आबादी को लक्षित कर रहे हैं, जिनसे ओटीटी परिदृश्य में अगली वृद्धि की उम्मीद है। एंजॉय मैक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रचारक संजय भूषण पटियाला हैं। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।